हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डिडमिक्स राइट नाउ यू कैन सी आई हैव रिटन सम रिएक्शंस काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिएक्शंस की समझ काफ़ी अच्छे से होती है लेकिन जब बात आती है उनकी स्टेट्स की कि कौन सा केमिकल कौन सी स्टेट में होगा है ना तब उनको काफी कन्फ्यूजन होती है कि यार कैसे याद करेंगे कि कौन सी चीज एक्विज लेनी है कौन सी सॉलिड लेनी है कौन सी लिक्विड लेनी है राइट हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस अगर ऑब्वियसली आप एक एक रिएक्शन को ऐसे क्रैम करोगे देन इट इज अ लॉट ऑफ वर्क राइट सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस की हाँ कैसे आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो केमिकल्स होने वाले हैं वो कौन सी स्टेट में होंगे राइट सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अब देखो इतना तो आप सभी को पता होगा कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोई भी केमिकल हमारे पास या तो सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड या गैस या फिर एक्वस फॉर्म में एक्विज सोल्यूशन कौन से होते हैं जिनमें वाटर को हमने ऐड कर रखा होता है एज अ सॉल्वेंट है ना एज अ सॉल्वेंट उसमें वाटर को ऐड करा होगा और उसके अलावा जो सॉल्यूट है बेसिकली जिसका हम एक्विस सोल्यूशन बना रहे हैं इट कुड बी एनी थिंग सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है उसको हमने ऐड करा होता है इन द वॉटर राइट दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्विज सोल्यूशन और ये इनके सिम्बल्स हैं राइट right? सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड को एल से गैसियस को जी से और एक्विज सोल्यूशन को एक्यू से ओके okay, अब अगर बात करें इस चीज के बारे में पता लगाने की कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा पर्टिकुलर केमिकल किस टाइप की स्टेट में प्रेजेंट होएगा ऑनेस्टली सेइंग यू कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट इट राइट यू कैन ओनली गेस इट राइट अगर आप उस चीज को परफॉर्म खुद नहीं कर रहे एक्टिविटी को देन ऑब्वियसली यू कैन ओनली गेस इट ओके देर आर सर्टन थिंग्स विच यू कैन क्रैम ओके एंड देर आर आर सर्टन थिंग्स विच यू कैन अंडरस्टैंड एंड इस वीडियो में मैं दोनों ही चीजें आपको बताने वाला हूँ देर आर सर्टन थिंग्स जिनको आपको क्रैम करना पड़ेगा जिनकी हेल्प से आपको इस चीज़ का आइडिया लगाना ईजी हो जाएगा कि हाँ कौन सा पर्टिकुलर केमिकल किस टाइप की स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है ओके एंड काफ़ी सारी चीजें समझने वाली भी हैं वो भी मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ राइट right. तो देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं कौन से एलिमेंट्स या कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एट द रूम टेम्परेचर तो ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी मर्करी को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं सॉलिड्स ठीक है तो इनके बारे में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आयरन हो गया जिंक मैग्नीशियम सिल्वर कैल्शियम कॉपर एल्यूमिनियम एंड गोल्ड और इनके अलावा भी जितने के सारे सारे मेटल्स हैं मरकरी को छोड़ के वो क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड उनके अलावा जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर सॉलिड राइट जिंक सल्फेट सोडियम कार्बोनेट जिंक क्लोराइड आयरन सल्फेट सोडियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट पोटाशियम ब्रोमाइड कैल्शियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इनके अलावा भी हमारे जो सॉल्ट होते हैं दे आर सॉलिड्स अब इन सोल्ट को कुछ सॉल्ट को मैंने यहाँ पे रेड कलर में शो किया हुआ है इसका रीजन ये है कि जो ये वाले सॉल्ट हैं सिल्वर क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट दीज आर वाटर इनसॉल्यूबल ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है जितना आप मर्जी मिक्स करने की कोशिश करोगे ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे राइट बाकी के जितने सॉल्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं दे आर वाटर सोल्यूबल सोल्ट ओके इनके अलावा भी काफ़ी सारे वाटर सोल्यूबल सोल्ट होंगे और इन चारों के अलावा भी काफ़ी सारे वाटर इनसोलिबल सॉल्टस होंगे राइट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है मैंने जस्ट जो कॉमन वनस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं सो so आप इनको एटलीस्ट वॉटर जो इन सोल्यूबल है आपको ये दिमाग में होने चाहिए कि हाँ ये चार जो सोल्ट हैं ये पक्के यहाँ पर वाटर इनसोल्यूबल सोल्ट के एग्जाम्पल्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है क्या जरूरत पड़ेगी ये आपको अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में इसी वीडियो में राइट बट फॉर नाउ जस्ट ग्रामिट कि हाँ सिल्वर क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट ये ये ऐसे हैं हैं जो वाटर वाटर में नहीं होते होते उनके अलावा अगर हम मेटल ऑक्साइड्स की बात करें वो भी जनरली क्या होते हैं सॉलिड्स फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड लेड ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड्स ये सारे हमारे क्या होते हैं सॉलिड्स क्लियर तो इन सारी चीजों में से कोई भी किसी भी रिएक्शन में आपको दिखेगा तो आप बिंदास बिना कुछ सोचे आप लिख सकते हो दैट इज अ सॉलिड राइट अब अगर लिक्विड्स की बात करें देर आर सर्टन लिक्विड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिन ब्रोमिन इट इज द ओनली नोन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दिस इज मर्करी मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर वॉटर एवरी वन नोज दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड दिस इज आर एथेनॉल एथेनॉल दिस इज ऑल्सो लिक्विड Now, talking about the gases, nitrogen, this is the most abundant gas in our atmosphere. Oxygen, hydrogen, these are the most common examples of gaseous. I don't need to say much about them. This is CH4, this is methane, also known as uh, natural gas. This is used as a fuel, right? This is also gaseous. Then these are the. नॉन मेटल्स फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द गैसेज राइट लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नॉन मेटल्स गैसेज होते हैं अगर हम प्रोडिक्टेबल में देखें नॉन मेटल्स कहाँ पे होते हैं यहाँ पे ओवर द राइट साइड है न यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हम करें राइट right? तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ऐसे नॉन मेटल्स के बीच आर गैसेज हिलियम न्योन आगन क्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और यहाँ पे क्लोरिन हो गया ब्रोमीन हो गया दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द गैसेज राइट इनके अलावा जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर ऑल्सो गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड हो गया सल्फर ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड राइट और उसके अलावा भी जनरली से जितने भी हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर गैसेज क्लियर नाउ मूविंग ऑन टू द एक्वेस सोल्यूशन एक्वे सोल्यूशन ऑलरेडी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं कब बनता है जब हम किसी ना किसी केमिकल को ऐड करते हैं इन टू वॉटर फॉर एक्जाम्पल अगर एच सी एल की बात करें सपोज वी वॉन्ट टू मेक द एक्वेस सोल्यूशन ऑफ द एचसीएल एच सी एल यू माइट बी नोइंग दिस इट इज जनरली अ गैस है ना एंड जब ये गैस होता है इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड इट इज नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जब तक ये गैसियस स्टेट में है इट इज नॉट एन एसिड राइट क्योंकि हमको ये डिसोशिएट करके एक्सप्रेसाइंस ही नहीं देने वाला डिसोशियट तो तब करेगा जब इसको वॉटर में एड करेंगे एड करेंगे इन टू वॉटर क्लियर

ये दोनों अलग अलग चीजें हैं है ना दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है एक्वेस्ट सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम का भी लाइम वाटर का भी लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ऑब्वियसली डिफरेंस होता है थोड़ा सा दोनों में राइट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द स्लेक लाइम एंड द लाइम वाटर आंसर इट इन द कॉमेंट सेक्शन नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन गेस अप टू सर्टन एक्सटेंट कि हाँ उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेट क्या हो सकती है राइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें देन यूजली दे टेक प्लेस इन द एक्विज सोल्यूशन ओके फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है इट इज अ डिसप्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपो को है ना जिंक ने कॉपो को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर हो गया अलग और यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास जिंक क्लोराइड ओके okay. अब इसकी स्टेट्स सपोज हमको नहीं पता अब जिंक यहां पे इट इज अ मेटल सो इट इज गोइंग टू बी सॉलिड सबको पता होगा ये तो दिस इज अ सॉल्ट क्लोराइड नाउ सिंस दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना अब सॉल्ट है इट कैन बी सॉलिड एज वेल इट कैन बी एक्विस्ज वेल बट यार देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होंगी आप सेफली इस चीज को अज्यूम करके चल सकते हो कि हाँ द सॉल्ट इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म राइट मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द सॉल्ट इट इज इन एक्वि फॉर्म ओके तो कॉपो क्लोराइड को हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दिस इज इन द एक्विज फॉर्म नाउ वी गेट जिंक क्लोराइड दिस इज ऑल्सो सॉल्ट एंड दिस इज सॉल्यूबल सॉल्ट सो इट विल बी ऑल्सो एक्विज एंड वी आर गेटिंग कॉपर कॉपर इज अ मेटल इट इज गोइंग टू बी सॉलिड है ना दिस सेकंड रिएक्शन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे ऑल्सो जनरली टेक प्लेस इन द एक्विज सोल्यूशन राइट ऑल द वॉटर सोल्यूबल सॉल्ट देर रिटर्न इन द एक्वि फॉर्म है ना क्योंकि दे विल मेक एक्विज सोल्यूशन ओनली बेरियम सल्फेट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन सोल्यूबल सोल्ट इसीलिए इसको हमने एक्वेस नहीं लिखा हुआ यहाँ पे देखो राइट दिस विल बी ए सॉलिड राइट ये वॉटर में सॉल्यूबल होगा ही नहीं ठीक है ना दैट्स वाई जब हम टेस्ट यूब में हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को mm -hmm. सोडियम क्लोराइड का तो एक्विज सोल्यूशन बन जाएगा बट बेरियम सल्फेट वहाँ पे एज अ सॉलिड नीचे बैठ जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स है ना सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जस्ट यू हैव टू टेक केयर दैट ओनली वाटर सोल्यूबल सॉल्ट मेक द एक्विस सोल्यूशन अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जो वाटर सोल्यूबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है ना जो मैंने स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताए थे अगर वैसा कोई सॉल्ट लेंगे देन it will not form aqueous solution then we have to write it as solid so the next type of reactions are decomposition reactions decomposition reactions आपको पता है ना इसमें एक चीज बेसिकली यू कैन सी डिकम्पोज होती है इन टू फ्रेगमेंट्स है ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हमने हीट की हेल्प से डिकम्पोज किया देन हमको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी सो दिस इज क्लियरली एन एक्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिमिलरली दिस वन डीकोम्पोजिशन रिएक्शन दे जनरली टेक प्लेस इन दबसेंस ऑफ फोटो राइट सो जनरली आपको इसमें डिकोम्पोजिशन रिएक्शन में एक्वेज सोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा जनरली क्लियर सो कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज अ सॉल्ट सो इट इज सॉलिड दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड सो इट इज गोइंग टू बी अ सॉलिड मोर ओवर यू मस्ट नो दैट दिस इज लाइम क्विक लाइम Quicklime is a powder, white powder. So, this is a salt. This is the carbon dioxide. It is a gas, everyone knows it, right? Clear? The next example is the decomposition of silver chloride. This decomposition takes place in the presence of sunlight. Right? With the help of sunlight, silver chloride breaks down into silver metal and chlorine. So, silver chloride, this is a salt, that means it is going to be solid. this is the silver metal metals are generally solid so this is also solid right and this is the chlorine and chlorine is a gas hai na okay ab dekhte hain aapko kitne acche se ye cheez samajh lagi hai yahan pe first example calcium hydroxide plus carbon dioxide we are getting calcium carbonate and water kisi ki bhi states nahi pata hai humko states likhni hai ab right अब it actually helps अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो ना equations को अगर आपको पता हो कि इस reaction में particular reaction में क्या होता है अगर आपको थोड़ी बहुत भी आइडिया होगा इस एक्शन के बारे में देन यू मस्ट नो कि यहाँ पे दिस इज द लाइम वाटर लाइम वाटर में से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है एंड दिस इज द वाटर ये वो वाली रिएक्शन है जिसमें हम लाइम वाटर को मिल्की टर्न करते हैं है ना सो कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन सॉल्ट सोल्ट इट इज गोइंग टू बी सॉलिड ऑफ कोर्स वाटर दिस इज लिक्विड Calcium hydroxide, this is the slake lime, and the slake lime it is in aqueous form. And this is the carbon dioxide, so this is going to be gaseous. Moving on to the next reaction. This is the methane is in the presence of oxygen, and we are getting carbon dioxide and water. Okay. CH4, this is the natural gas. So it will be in the form of gas, of course, right? Naam pata lag hai ye natural gas. This is the oxygen. इट इज ऑल्सो गैसियस है ना कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी गैसियस एंड दिस इज द वॉटर नाउ वोटर लिक्विड होगा सॉलिड होगा यह गैसियस होगा देखो सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं होगा दिस इज नॉट समथिंग कि हाँ जिसमें ठंडा हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है इस रेक्शन में राइट right? देखो बर्न कर रहे हैं हम इस चीज को ऐसे सोचो नेचुरल गैस को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन राइट सो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो वोटर होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम है ना सो इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ गैस राइट ठीक है जनरली सही कोई भी कंबेशन रिएक्शन होती है ना उसमें आपको जो वाटर मिलेगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस राइट इट वॉन्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एज अ जनरल रूल यू कैन रिमेंबर दिस द नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस इज द आयरन सल्फेट वी आर गेटिंग आयरन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड राइट एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड ऑक्साइड तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना एक रिएक्टेंट यहां पे डिकम्पोज हो रहा है इंटू थ्री प्रोडक्ट्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकोजिशन रिएक्शन। नाउ अगर इसमें हम देखें आयरन सल्फेट दिस इज सॉलिड आयरन ऑक्साइड यही तो रसिंग होती है दिस इज दल्फर डाइ ऑक्साइड दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वी कैन से वैसे भी आपको याद करवाया था उस लिस्ट में यह मैं था

प्लस बेरियम क्लोराइड एंड वी आर गेटिंग सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट ये वही रिएक्शन है जिसको हमने पीछे स्टडी किया भी था और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सो इट विल टेक प्लेस इन एक्विस सोल्यूशन है ना सो so ये भी एक्वि होएगा ये भी एक्विस होगा सोडियम क्लोराइड ये भी एकक्विस होएगा क्योंकि ये तीनों सोल्ट क्या है वॉटर सोल्यूबल राइट लेकिन बेरियम सल्फेट दिस सॉल्ट इज वॉटर इन सो ये होगा सॉलिड राइट इट वॉन्ट बी नेक्स्ट वी हैव आयरन प्लस कॉपर सल्फेट वी आर गेटिंग कॉपर प्लस आयरन सल्फेट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेक्शन आयरन डिसप्लेस कर रहा है किसको कॉपर को क्यों क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर यहां पर आयरन दिस इज अटल सो इट इज गोइंग टू बी सॉलिड कॉपो सल्फेट इट इज अ सॉल्ट ऑल दो है ना हो सकता है आप कहोगे यार ये सॉलिड होगा लेकिन अगेन दिस इज एन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन एंड हमने क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज यूजली दे टेक प्लेस इन एक्वेल्यूशन राइट सो दिस सॉल्ट वी विल टेक इट एज aqueous solution so iron we will add it in aqueous solution of the copper sulfate and we will get copper this is again a metal so it will be solid and since this reaction it is taking place in the aqueous solution this iron sulfate this will also be aqueous because ferrous sulfate iron sulfate it is also water soluble right next we have calcium carbonate is called decompose it with heat into calcium oxide and carbon dioxide calcium carbonate दिस इज अ सॉलिड है ना दिस इज अ सॉल्ट देन दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड इट इज अ मेटल ऑक्साइड सो इट इज गोइंग टू बी सॉलिड एंड वैसे भी कैल्शियम ऑक्साइड है दिस इज अगेन लाइम दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड सो इट इज गोइंग टू बी गैसियस राइट राइट सो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ लग गया होगा कि कैसे हम इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रैक्शन में जो रिएक्ट्रंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेट क्या होने वाली है आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग